क्या नाम है आपका भाई साहब? मैं निर्भय राज सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ फखरपुर जी। क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ पिछले 15-20 दिनों से निष्ठा नाम की ट्रेनिंग संपादित की जा रही है, जिसके 3 बैच पूरे हो चुके हैं, चौथा बैच हम लोगों का है। भोजन की व्यवस्था जो मीनू शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है उसके अनुसार नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने इस संबंध में कल खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने उसका कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। इसके विरोध में हम सारे लोग आज 150 अध्यापक न सुबह से नाश्ता किए हैं न दोपहर का भोजन करेंगे। इसका मीनू क्या है खाने का और कितने पैसे इसके आवंटित हुए हैं खाने के लिए? हमारे लोगों की जो जानकारी है उस हिसाब से 200 रुपये प्रति हेड के हिसाब से पैसे आवंटित किए गए हैं। और मीनू जो है, पूरा मीनू तो नहीं बताया जा सकता, कहिए तो उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी आपको जी। ये टोटल कितने पैसे खारिज किए गए हैं शासन द्वारा यहाँ पे? लगभग 1 महीने 500 रुपये प्रति अध्यापक प्रतिदिन के हिसाब से पैसा भेजा गया है। प्रति अध्यापक 500 रुपये? हाँ। और उसमें मीनू में मिल क्या रहा है, लगभग में कितने पैसे का वो खाना होगा? मीनू में जो भोजन हम लोगों को दिया जा रहा है वो 100 रुपये से ऊपर का नहीं होगा। कल जो पकौड़ी दी गई थी शायद कोई अध्यापक उसको खाना पसंद करे, लेकिन लोग भोजन करके घर से नहीं आते हैं, मजबूरी में उस पकौड़ी को भी खाएं। और यही गर्मी का मौसम होता तो शायद इनमें से 20 लोगों को ड्रिप चढ़ चुकी होती। क्या नाम है आपका? समीम अहमद। अच्छा, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग है? प्राथमिक विद्यालय पहाड़ापुर। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ की? समस्या है कि जो खाने का मेनू है वो सही नहीं है, खाने की क्वालिटी बहुत गड़बड़ है, जिस हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं उस तरह का खाना नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी को बताया गया तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना कॉन्ट्रैक्टर से कोई बात की कि अच्छा करो, इसको सुधार लो, उस तरह टीचर को खुद हड़का रही थी। अच्छा, तो सुबह से आप लोगों ने खाया कुछ नहीं? कुछ नहीं, ना नाश्ता किया ना खाना खाया।